माता के दर्शन के लिए हम कुछ भी करने को राजी हैं। फॉग तो अभी से ही सड़क पे बहुत है भाई, रात में निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो एक्सीडेंट देखने को मिला भाई, एकदम चोटड़ में जाकर राइट काटेगा तो बंदे में तो कुछ नहीं चढ़ेगी ना। तो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड एंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो भाई व्लॉग देखो चला जाएगा। रात भी अच्छी जानी चाहिए क्योंकि रात का टाइम है, हम रात को निकल रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं भाई माता वैष्णो देवी, और ये आ गए हमारे साथ के लड़के भी। एक गाड़ी हेरी एक गाड़ी हेरी, दोनों की करा रहे टैंकी फुल फुलम फुल। हम जा रहे हैं टोटल भाई पाँच जने, सबसे मिलवा देता हूँ। ये रे भाई हमारे शारदा भाई, क्या हाल है। ये रहे हमारे हैरी भाई, क्या हाल है। ये रहे हमारे भाई स्पर्श आहूजा भाई, क्या हाल है। ये रहे हमारे मन्नू भाई, क्या हाल है। अरे भाई इनके अपना नाम और बता दो। योगेश सर। तो ये हमारे साथ जान नहीं रहे लेकिन ये हमारी गाड़ी में तेल डाल रहे हैं, सब तेल वेल डलवाते हैं, उसके बाद मस्त इंजॉय करते हैं। बढ़िया लग रही गाड़ी। तो अपनी रोड रनर जाएगी, मन्नू भाई की होंडा सिटी जाएगी, फुल एंजॉय करेंगे। पूरा व्लॉग देखना भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रैवल व्लॉग बहुत टाइम के बाद आ रहा है तो ज़िंदगी में फन दिला देंगे तुम्हें, ठीक है। तो अगला शॉट दिखाता हूँ जब कहीं और रुकते हैं या कुछ मस्तीबाजी करते हैं ना, जब दिखाता हूँ टंकी फुल करा लें। तो भाई हाईवे पर आ गए हैं। हाईवे का मतलब अभी हमने बॉर्डर के पास आने वाले हैं, दिल्ली हरियाणा के निकल चुके हैं। सार्थक भाई मेरे साथ बैठे हैं, पीछे गाड़ियों कोई नहीं है, बाकी तीन शेर चीते दूसरी गाड़ी में है भाई। तो मैंने और बकरी शेर चीता बकरी भाई, अभी से ही पता नहीं इसमें पता चल रहा होगा कैमरे में नहीं, फॉग तो अभी से ही सड़क पे बहुत है भाई। कैमरे में कम आता है। हाँ कैमरे में कम आता है, बहुत ज्यादा फॉग है भाई। और अभी तो हमने कुछ कितने किलोमीटर करा, 30 किलोमीटर करा है वहाँ पेट्रोल डलवा के। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, मतलब 10:58 हो रहे हैं भाई। समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंटेंट के लिए और माता के दर्शन के लिए हम कुछ भी करने को राजी हैं। हम भाई थोड़े से एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे मेरे हिसाब से तो ना निकले, क्योंकि जिस हिसाब का मौसम चल रहा है रात में निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम पे थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है, दुकान वकान होती है, इस चक्कर में तो मैनेज करना पड़ता है यार। भाई आप लोग मत निकलना, ये वॉल्वो पकड़ रखी है हमने एक, ये डेल्टिन ट्रेवल्स, इसके पीछे पीछे क्रूज कंट्रोल सेट करके अपना। तो भाई अभी मैं बता ही रहा था गाड़ी में कि आराम से चलो, फॉग चल रहा है। तो एक्सीडेंट देखने को मिला भाई, भाई देखो क्या हाल हुआ है। ये ट्रक में जाके घुसी है और ये गाड़ी का हाल देखो भाई। अभी बता रहे थे हम कि भाई आराम से चलो, फॉग है, बड़े ट्रक में हमारी है। बताओ भाई, भाई जो भी है हमें नहीं पता, फैमिली को भाई जो भी था इसमें भाई भगवान, हम तो यही चाहेंगे भाई बच गए हो, यही चाहेंगे हम तो बच गए हो भाई। पुलिस वाला था टोपी थी ना गाड़ी में। अरे जो भी हो यार, बंदा सेफ हो वही सही रहेगा भाई। गाड़ी का हाल बहुत ही बुरा हो गया, मतलब भाई अब रुक गए हैं खाना खाने के लिए। कितने किलोमीटर आ गए मन्नू भाई? भाई 1090 किलोमीटर। अबे यार ट्रैवल कर चुके हैं, अब 2090 किलोमीटर बाकी है। भाई जने दो गाड़ियां, मतलब 3000 कुछ की ट्रिप है हमारी भाई। जने दो गाड़ियां, 10 बैग। 10 तो बैग नहीं है भाई, अभी बीच में उतर गया था। एक बैग वाले ने छोड़ा था। हां ट्रक वालों के पास खड़ा हुआ था ये, ट्रक वाले ने छोड़ा वहां पे, पता नहीं क्या कर रहा था। टॉर्च लेके क्या कर रहा था ये भाई, पता नहीं क्या कर रहा था, बाहर घूम रहा था। फिर ट्रक में बिठा लिया किसी ने, मुझे लगा कहीं हाइकिंग कर रहा भाई। अब थोड़ा एक्सप्लिसिट हो जाएगा कंटेंट। तो अभी हम खाना खाते हैं, पंजाब में हमने एंट्री ले ली है भाई। भाई बड़े वो खड़े थे एकदम, पुलिस वाले हाँ थे काफी थे, मेरे को लगा पता नहीं बातें कर रहे हैं शायद इधर उधर खड़े हो। कोई दिक्कत नहीं है, मगर यार वो ऐसा लगा था जैसे दो बंदे ऐसे खड़े हैं यार, तो ऐसे बॉल फेंकते हो कैच कर रहे, फिर उधर से फेंकते तो दूसरे कर क्या रहे थे पकड़ना हमारा पुलिस वाले। पंजाब में छोड़ के
मेरी बार बार मैं 90 पे क्रूज लगा रखा है, आएगा 120 पे आएगा, ओवरटेक मार देगा, फिर मेरे को भी 120 करनी पड़ती है। जो ऐसे करके जो एक ट्रक जो ऐसे मारता है ना, जो ट्रक चल रहा है उसके ऐसे एकदम चोतड़ में जाकर राइट काटेगा तो बंदे में तो खुजली चढ़ेगी ना। अब भाई ऐसे थोड़ी है, मैं आराम से तो चलता हूँ, आराम से चल रहा है, कट देख लो इसके, ऐसे जाता है और यूं निकल जाता है। झूठ भाई, आराम से चला रहे अब। लेकिन हमें फॉग नहीं मिला, अब फॉग नहीं था भाई, ये सही हो गया, नहीं तो हम तो ब्याह जाते अभी तक अगर फॉग मिल जाता तो। इतना फॉग था मेरे को तो गाड़ी में, ये नहीं दिख रहा था, ये भी आया मेरे साथ। अबे उबे भाई, ओ भाई तू तो कुत्ते की प्रजाति लग रहा है इसमें, एक भगवान की कसम की प्रजाति लग रहा है। ओए दिखेगा कैसे भाई, ही चेकिंग करके नहीं आया ट्रक में, ट्रक में जा रहा था ट्रक, ही चेकिंग दिखेगा कैसे, तू अकेला था भाई, तू अकेला लगा मजा आ रहा है भाई, जो बात है एंजॉयमेंट चल रही है सार था, पता नहीं इधर से कहां पे कोने में घुस पड़े हैं। बहुत एक खतरनाक चीज भी है। क्या है अभी दिखा नहीं, लाल कलर का, लाल कलर बंदर का, जिस पे चढ़ा, अच्छा जिस पे चढ़ रहा है, अच्छा वो एक्सप्लिसिट कंटेंट अगेन एंड अगेन। अभी खाना खाते हैं, दाल दाल मखनी और चौंप बटर मसाला, क्या चौंप बटर मसाला भाई, चौंप बटर मसाला, ये देखो भाई, ये देखो क्या लिखा है, ए ए भाई इसका यार फोकस नहीं लेता ये तेरा, चौंप चौंप बटर मसाला एक्सप्लेनेशन है मेरे पास इसका, क्या है, क्यों हम कहां पर हैं, हम पंजाब में, पंजाब के लड़के कहां जाओगे, कहां जाते हैं, कहां जाते हैं, कनाडा, कनाडा में क्या बोलिए, क्या बोले भाई, इंग्लिश, इंग्लिश और फ्रेंच, तो हरियाणवी पे क्या है, कनाडा में क्या बोली जाता है वो ठीक है। अब एक बात सुन, एक बात सुन, पंजाबी में पंजाबी की जो है इंग्लिश बोली जा रही है, तो मैं पंजाब का होने के बाद हरियाणवी नहीं बोल सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो यार तुम भी मत समझो हमारी बातों को, तुम अगर समझ गए तो तुम सब्सक्राइब करो, फिर करवाऊंगा। बात ऐसी है, चौंप इसलिए लिखा भाई, वहां पर होती ज्यादा इंग्लिश, अभी पंजाब के नहीं रहे, ये कैनेडियन हो गए, कैनेडियन हो गए, तो यहाँ तो डॉलर चलते होंगे, डॉलर नहीं चलते होंगे, डॉलर नहीं चलते, यहाँ पे इंदिरा गांधी के नोट चलते होंगे फिर, नहीं इंदिरा गांधी, यहाँ अफगानिस्तान के रूबल, गांधी से तो खिलसते हैं। अरे हाँ, चौंप बटर मसाला खा ले यार, छोड़ो तुम, सब्सक्राइब कर दो यार, जाओ फिर दिखाते, ओके। One eternity later. भाई गाड़ी चल रही है हमारी 500-550 किलोमीटर, और ये पता नहीं ये पेट्रोल पंप सा दिख रहा है, ये होंडा सिटी है, ये इसमें तो डला नहीं तेल, इसमें डल रहा है तेल, पता नहीं, अरे वो जो मर्जी हो भाई, तेल डल रहा है, तेल डल रहा है, एग्जॉस्ट भी है, 17 इंच अलॉय भी है भाई, वजन भी है, ऑडियो, ये ऑडियो सेटअप का वजन भी है, पता नहीं फिर भी अभी भी 150 की रेंज दिखा रही है, और ये भाई रिजर्व लग गई, पता नहीं कैसे, मतलब होंडा सिटी में, साइड कर ले मर्सिडीज को, होंडा सिटी में चल रहे हैं भाई, अंदर के कुछ दिखाऊं सीन, सार्थक भाई की तो पता नहीं क्या बकरी सी हो रहा है, मैया मेरी कितना बुरा लग रहा है ये भाई, तेल डल रहा बढ़िया, 3300 रुपये का तेल डल चुका है अभी, यहाँ से आई थिंक 140 किलोमीटर बचा है, अभी भी रात सी हो रही है भाई, टाइम हो रहा है ये देखो 6:46, हम 10:30 के निकले हुए हैं, तो 7 घंटे हो गए हैं हमें चले हुए, मज़ा आ रहा है भाई फुल ड्राइविंग करने में, फॉग है बीच में रास्ते में थोड़ी थोड़ी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, 60 डिग्री चल रहा है इस टाइम पे, मस्त ठंड हो रही है, मैंने तो एक अंदर हुडी पहन रखी है, एक जैकेट है, फुल इंजॉय। जहाँ तक है भाई, ये पार्ट जो है 1 है इस वीडियो का, तो 2 पार्ट में आएगी ये वीडियो, क्योंकि ये लंबी हो रही है मेरे को लग रहा है, तो मैं 2 पार्ट में डालूंगा इसे, ठीक है, अभी मैं इसकी एंडिंग करूंगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर अगला पार्ट होगा जब हम वहाँ पे चढ़ाई वढ़ाई करेंगे, तो अभी मैं जब रास्ते में दिखाता हूँ जब दिन निकलता है कि हमारा क्या सीन है। और भाई एक बार गाड़ी की लुक चेक कर लो भाई, क्या स्टांस आ रहा है ना भाई, जो बात है भाई, लगती तो है ये अपने होटल में, वेरी भाई अल्ट्रा प्रीमियम कमरा लिया है भाई, अभी रूम टूर दे दूंगा, बहुत महंगा कमरा मिला है, बहुत बड़ा भाई, आपको जैसे पता ही है हम जहाँ भी जाते रूम टूर देते हैं, बढ़िया बढ़िया रूम लेते हैं भाई, फ्रिज दिखा देंगे, सब किचन भी दिखाएंगे, किचन है, एयरबीएनबी, तो भाई हम आ चुके हैं, अभी 11:15 का टाइम हो रहा है, घड़ी मैंने पहनी नहीं, कहाँ से दिखाऊं, अपने अपने फोन में टाइम देख लेना, वही टाइम हो रहा है इस टाइम हमारे में। तो भाई अभी ये देख लो, हैरी भाई उधर है, मन्नू भाई इधर है, सारता इधर है, मैं इधर हूँ,
अब ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये स्पर्श का है भाई, भाई मत करो भाई, इससे सबसे बड़ी दिक्कत हो गई हमारे स्पर्श भाई के साथ, उन्होंने स्पर्श भाई तो बाथरूम में है ना, तो कीड़े निकल रहे हैं इनके पेट में भाई, रास्ते में 16 बार गया था उसने हगने टैटी करने तो भाई वो दिक्कत है, ट्रक वाले बहुत खतरनाक मिल गए, ट्रक वाला भाई सबको नींद आ रही है लेकिन कोई सोने को राजी नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, क्या नींद आ रही है भाई, नींद नहीं आ रही क्या, बिल्कुल नहीं आ रही इस टाइम पे भाई, 12-13 घंटे गाड़ी चला गया, नींद नहीं आ रही भाई, अभी सोएंगे नहीं और बाद में उठेंगे नहीं, पता नहीं कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे, तुम कम करो ठीक है ना, मेरे आगे जिंदगी दिखाने वाली फोन आ गया मेरे, इस वाले पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगला पार्ट है क्योंकि लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत अभी हम सब सो जाते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सबको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है, और कमेंट में जय माता दी लिख लेना है, अभी तक का व्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो सोचो अगला व्लॉग कितना बढ़िया होगा, इसका सेकंड पार्ट जिसमें सब कुछ हम बताएंगे, चढ़ाई वगैरह सब कुछ दिखाएंगे भाई, हम वो वाले बंदे नहीं है जो बताते हैं कि कितने टोल का खर्चा लगा, कितने का कमरा लिया, कितना एक्सपेंस लगा, हम वो नहीं है, व्लॉग देखो एंजॉय करो, माता के दर्शन कराएंगे, जोर से बोलो जय माता दी, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।